कि आपको भी ड्रीम इलेवन के अंदर ये वाली प्रॉब्लम अभी आ रही है, यूज़र इज़ नॉट रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ड्रीम इलेवन के अंदर लॉगिन कर रहा हूँ अपने जीमेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, तो यहाँ पे ये बता रहा है यूज़र डज नॉट रजिस्टर्ड। तो इसको आप ठीक कैसे करोगे, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो को बस पूरा देखें, सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो यूज़र डज़ नॉट रजिस्टर्ड या फिर यूज़र इज़ नॉट रजिस्टर्ड की इश्यू आती है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है जो ईमेल डाली है वो आपकी खुद की है और इसके ऊपर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना होना चाहिए। तो बहुत बार होती है कि हम जो है अपना मतलब अकाउंट जो है दूसरे ईमेल पर बनाते हैं और यहाँ पे हम अलग ईमेल यूज़ करते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यूज़ मोबाइल पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डालनी होगी और मोबाइल नंबर डालकर आप ट्राई कीजिए अपना रजिस्ट्रेशन करने की। तो इससे क्या होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो आप जो है डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन अपना यूज़र से मतलब मोबाइल नंबर से ही कर लीजिएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम है, फिर भी आप पे आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर नहीं है, तो वापस आप जो आइए और फेसबुक या फिर गूगल के थ्रू भी आप ट्राई कर सकते हैं। गूगल से आप करने की कोशिश कीजिए तो इससे भी आपका हो जाएगा। बाकी ईमेल एड्रेस अगर आपने गलत डाली है या फिर ईमेल एड्रेस आपकी वेरीफाई नहीं है ड्रीम इलेवन में, तो यहाँ पे आपका ये बार बार यही आएगा क्योंकि आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई नहीं था। उम्मीद है जानकारी समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।